गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में सोमवार को पिछले 24 घंटे में 187 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं 5 संक्रमित की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7490 हो गई है। इनमें 109 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 1169 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, वो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 3556 लोग होम आइसोलेशन ओवर हैं। जिले में अभी भी 2656 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में शहरी क्षेत्र के 113 और ग्रामीण क्षेत्र के 54 सहित अन्य 20 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि सोमवार को पाए गए नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सदर क्षेत्र के शाहपुर थाना क्षेत्र में 12, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 14, राजगढ़ थाना क्षेत्र में 4, तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 3, कैंट थाना क्षेत्र में 36, कोतवाली थाना क्षेत्र में 22, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में 9 और गुलहरिया थाना क्षेत्र में 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के बटट में 14, बांसगांव में 1, गगा में 1, गोला में 2, जंगल कौड़िया में 1, खोराबार में 12, पिपरौली में 1, सजनवा में 1, पिपराइच में 1, सरदारनगर में 5, उरवा में 1 सहित अन्य 20 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसकी जानकारी CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि नए पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों की कोरोना की जांच कराई जाएगी, साथ ही इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सेंट्रलाइजेशन का कार्य कराने का आदेश दिए गए हैं। जो भी नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।